हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आपके सामने लेकर आया हूं फिल्म दंगल का रिव्यू। जैसे कि आज फ्राइडे है और आप जानते हैं कि आज इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म दंगल रिलीज हो गई है, तो आइए आज हम जानते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। दंगल की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। महावीर सिंह फोगट, जिनका सपना है कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह जाता है, जिसके बाद वो सोचते हैं कि उनका बेटा ये सपना उनका पूरा करेगा, लेकिन उनके यहाँ चार बेटियां जन्म ले लेती है, जिसके कारण उनका ये सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन एक दिन गांव में उनकी दोनों बड़ी बेटियां गीता और बबीता दो लड़कों को बुरी तरह पीट देती है, जिसके बाद महावीर सिंह फोगट को एहसास होता है कि गोल्ड तो गोल्ड है, चाहे वो लड़कियां लाए या लड़का लाए। और यहां से शुरू होती है गीता और बबीता को ट्रेनिंग देने की शुरुआत। पूरी फिल्म में यही दिखाया गया है कि कैसे महावीर सिंह फोगट अपनी बेटियों को और मुख्यतः गीता फोगट को कैसे ट्रेन करते हैं, जिससे कि वो नेशनल लेवल पर जीत पाती है और गीता फोगट इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो पाती है। फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। फिल्म से जुड़ी एक खास बात के बारे में बताना चाहूंगा कि जब नितेश तिवारी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, आमिर खान के पास जब गए इस फिल्म की कहानी लेकर, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं चार चार बेटियों का बाप वाला रोल अभी नहीं करना चाहूंगा, 5-10 साल बाद करना चाहूंगा। लेकिन उनको ये रोल इतना चैलेंजिंग लगा कि बाद में उन्होंने नितेश तिवारी को फोन करके बुलाया। इस फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगट के किरदार निभाने के लिए अपना 40 किलो वजन गेन किया और फिर उसे कम भी किया। ये थी फिल्म दंगल की कहानी। इस फिल्म को देख के मैं इसे दूंगा 5 में से 3.5 पॉइंट्स। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय एंड मैरी क्रिसमस।